हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सवार्तु राजी का सीजन 3 का एपिसोड 14 है, ये देखते हैं। रद्द करना हमारी रिवायात के खिलाफ है। जरूरी है कि हम पहले अपनी घटियों को मुनज्जम कर लें। ठीक है हलीमा खातून, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। खुदा हाफिज। असलहान और चोलपान खातून, काम शुरू करने के लिए खवातीन को कालीन के नमूने चाहिए। सही कहा हलीमा खातून, लेकिन मुस्तकबिल के लिए भी कुछ सोचना होगा हमें, और हम इस मौके से फायदा उठाकर एक उन्हें तक पहुंचा सकते हैं। हमारे खरीदार फ्रांसीसी हैं असलहान खातून, वो तुर्कों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक दिन आएगा चौलपान खातून कि वो भी पसंद करने लगेंगे। अभी तो हम अपने कालीन से उनके महल पता करेंगे और फिर अर्तुरुल साहब जैसे बहादुर अपनी तलवारों से उन्हें पता करेंगे। अरे तो फिर उन बहादुरों को अपना काम करने देना चाहिए असलहान खातून। समझ गई हूँ। हम अपना काम करें, आप कल तक कालीन के नमूने तैयार कर लेंगे तो सूरज गुरूब होने के बाद तैयार करेंगे। इंशाल्लाह कल तक तैयार हो जाएंगे। हमें जल्दी निकलना होगा क्योंकि जगह है आज। अगर कोई एतराज ना हो आपको तो असलहान आपके साथ चली जाएगी, फिर आप रात में भी काम कर सकती हैं ताकि वक्त पर काम खत्म हो जाए। बहुत अच्छी तजवीज है आपकी, बाबा को बताए बगैर जाना मुश्किल होगा। मैं उन्हें बता दूंगी असलहान, हमें दिन रात काम करना होगा ताकि वक्त पर माल तैयार हो जाए। अब होगा दुरुस्त कहा ना हलीमा खातून? दुरुस्त कहा चोलपान खातून। तो ठीक है फिर, असलहान खातून काय कबीले में मेहमान होगी आज रात हमारी, और क्या मालूम कबीले का कोई बहादुर नौजवान असलहान खातून को देख कर अपना दिल से बैठे। लेकिन थोड़ा हलीमा को भी कंट्रोल करना चाहिए, सरदार की बीवी है। अभी तक तुर्कुत को मनाने में लगे हुए हो क्या? पहले था लेकिन उसने अब उसके हाथ पे छोड़ दिया है, पड़ा रहने दो उसे। सच बताओ वो बिल्कुल बेवकूफ है, तुम चाहो तो हमें जिंदगी उसे यही लग सकती, कभी ले जाना है मुझे। नहीं क्या पता वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को बेवकूफ बना रहा है। वैसे तुर्कुत तुमने मौका बहुत जोर से मार दिया, चबड़ा ही किया। ये खबर अर्तुरुल भाई सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। फटाफट जा, फटाफट जा। उस्ताद आजम, अबू नकाश ने मुझसे रابطہ किया था, वो वक्त आ गया जिसका हमें इंतजार था। मैं खत्ते में तुर्कों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए आपके हुक्म का मुंतजर हूं।
खुदावंद का बहुत शुक्र है अब्दुल भाई कि उसने मेरी जान लेने से पहले आपका एहसान तारने का मौका फराहम किया मुझे। चश्मे की गहराई सोने की रेत से भरी हुई है। अब्दुल भाई, सोना रेवान आता है तो वो पानी की तह में ठहर जाता है और पानी के बहाव के साथ चलता है और चश्मे के नशेब में छुप कर बैठ जाता है। हमें बस ये करना है कि उस नशेब से रेत निकालकर उसे एहतियात से छानना है। चश्मे के करीब ही एक बड़ा सा गार है। मैं चाहता हूं कि हम उस निकाली हुई रेत को उस गार में जाकर छाने। इजाजत है क्या आपकी? तुम्हें जो मुनासिब लगता है वो करो चतुर्या, बस जल्द से जल्द सोना निकालकर हमारे पास उसे ले आओ। जैसा आपका हुक्म अर्तुरुल भाई, लेकिन चश्मा मेरी तवक्को से ज्यादा गहरा और ताकतवर है, मुझे कुछ और सामान भी चाहिए। जिस चीज की भी जरूरत है वो खरीद लो बाजार से, लेकिन जरा जल्दी, आज शाम को जगह भी है। जैसा आप हुक्म करें भाई। अर्तुरुल भाई, खैरियत है बंसी, क्या हुआ तुम्हें? भाई मैं अभी सराय में तुर्कुन से मिलकर आ रहा हूं। भाई दरअसल ये सब उसकी एक चाल है। अगर से उसके मुक्के से मेरा जबड़ा थोड़ा हिल गया है, लेकिन भाइयों में तो ऐसा चलता है ना। भाई ये देखिए, उसने चलाकी से ये कब डाल दिया मुझे पता ही नहीं चला। बरकत वाला दिन गुजरा है हलीमा खातून, काफी काम मुकम्मल हो गया है, बहुत महारत रखती है। माजरत चाहती हूँ मैं आपकी गुफ्तगू में मुखिल हो रही हूँ, लेकिन खवातीन अब थक चुकी हैं और आपको जाना भी दूर है। तो काम को यहीं रोकते हैं चोलपान खातून, बाकी काम कल करेंगे। सामान को समेटते हैं ताकि अंधेरे से पहले कबीले पहुंच सके। तुम्हारे काई कबीले में कयाम की खबर सिपाहियों के जरिए मैंने बाबा को भिजवा दी है, सुकून से जाओ तुम। बहुत सारा काम मुकम्मल कर सकते हैं हलीमा सुल्तान, कैसी बात कर रही है, शर्फ है हमारे लिए। दोनों कबाइल की हुनरमंद खवातीन, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, अपने काम को सरंजाम दिया है। काम को यही रोकना होगा ताकि शाम तक कबीले पहुंच सके। चलो सामान समेट लेते हैं। देखिए इसमें कितना अच्छा काम किया गया है, आपकी बेटी को पसंद आएगा। मैं ये दूसरा दिखाऊंगी। अच्छा ये वाला देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है। हाँ ये बहुत अच्छा। खुशबू सनोवर की है खातून, आपको नहीं पाएगी। मैं जिस कलीसा में इबादत के लिए जाती थी वहाँ के दरवाजे और खिड़कियाँ सनोवर के थे, इस खुशबू ने मेरी यादें ताज़ा कर दी। शादी के बाद से मैं कलीसा नहीं जा सकी। मुझे खुशबू एक बहुत ताकतवर मुहर्रिक है खातून, आपको मेरा मशवरा है कि ये खुशबू आजमाइए, पसंद आएगी आपको। कौन सी है ये? ये है मुश्क, हिरन की नाव में पोशीदा होती है। ये शक की तुम यहां
यहाँ क्या कर रही हो चौथा खातून? मैं अपने शोहर की पसंद की खुशबू खरीद रही थी। आपका यहाँ बाजार में क्या काम है? एक सरदार का बाजार में जो काम होता है मैं वही कर रहा हूँ यहाँ। ओके। सूरज गुरुब होने को है, तुम लोग अब तक लौटे क्यों नहीं? तैयारी मुकम्मल है, बस चाहिए कुछ बात करनी है आपसे। क्या बात है असलेहा, बताओ। वो आज शाम हलीमा खातून के इसरार करने पर मैं काई कबीले में कयाम करूंगी। कालीन के लिए कुछ नमूने भी तैयार करने हैं हमें। यकीनन तुम कयाम कर सकती हो असलेहान, आखिर शराकतदार हैं हम दोनों का पहल, बिल्कुल एक खानदान की तरह है। अरे वो आदमी अब तक जिंदा है, मैं तो समझी मर गया होगा। इसकी जान मुझ पर भी कर्ज है, तुम कैसे जानती हो उसे? हाजा तुरियन सोने का माहिर खोजी था, मेरे बाबा से भी इसने सोना खोजने को कहा था जब वो जमींदार थे, मगर बाबा जी भी। अर्तुरुल ने अगर इसे आजाद छोड़ा है तो यकीन उसे कुछ मालूम है। बतुहार जाओ, जाकर मालूमात करो, देखो बाजार में क्या कर रहा है ये, क्या काम है इसका यहाँ। जाओ फौरन। इसको नहीं अच्छा लग रहा? अर्तुरुल साहब, तुम्हारे इरादों का पता हम लगा ही लेंगे। चौलपान, कबीले जाने में देर न करो, आज शब बहुत सुबह निमटाने हैं। जुबान मैंने पहली दफा देखी भाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द मालूम कर लूंगा मैं। मुझे असल फिक्र तुर्बुत के बाहर रहने की है अर्थ भाई। ये सब राजदारी से किया है उसने, किसी को मालूम ना हो इससे पहले वापस पहुंचाना है उसे। आप अच्छी उम्मीद रखिए भाई, जल्दी इस मकतूब अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया भाई। भाई इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दफन कर दी नापाक जालों में। जाने बाहर मौत है इस नाक, वो समझते हैं कि अपने चाल और अपनी नापाक चालों से इस दुनिया पर आसानी के साथ काबिज हो जाएंगे। तो चाल के जवाब में क्या है भाई? जब तक इंसाफ, सालिमियत, इखलास और अज़्म ज़मीन हमारे साथ है तब तक हम इन चालों का मुंह तोड़ जवाब देते चले जाएंगे इंशाल्लाह भाई। अता फरमा हमारे काम में, मुसलमानों को एक कर दे या रब, हमें एक दूसरे का दुश्मन ना बना, हर चाल नाकाम कर दे दुश्मन की, हलाल रिस्क को हराम कमाई से पाक कर दे ऐ मेरे रब। अल्लाह कबूल करे, आमीन अर्तुरुल भाई। पूरी कोशिश होती है कि अपने पैगंबर के कहे हुए रास्ते पर चलकर हलाल रिस्क कमाया जाए। तुम जैसे हलाल रिस्क कमाने वाले ताजरों को देखकर बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी बात है जनाब, बहुत शुक्रिया।
लेकिन आप सारा कारोबार सिमोन जैसे सलीबी के साथ क्यों करते हैं? तुमने बहुत गहरी, मैं ताजिर हूं जनाब। मेरा मशवरा है कि होशियार रहिए सिमोन से। क्यों? सिमोन की आप पर गहरी नजर है, मैं जानता हूं। वो ताकतवर बनना चाहता है आपको साथ मिलाकर, यानी एक सिक्के के बदले 100 हासिल करना चाहता है। तो क्या हर ताजिर की यही ख्वाहिश नहीं होती? सिमोन फायदा ही नहीं उठाता जनाब, वो शिनाकतदार को खा जाता है। आपको ये बताना मेरा फर्ज था। सुलेमान शाह का बेटा अर्दुरन इतना कमजोर, खातून आज यहीं रुकेंगे, कल तक कुछ नमूने आज शब औताक में दावत का अहतमाम है, खुशकिस्मती है कि आप वहां होंगी। बहुत शुक्रिया अर्थरुल साहब, आपकी दावत में शरीक होना मेरे लिए शर्म की बात है। एक ही रात का वक्त है हमारे पास, औताक चलते हैं ताकि काम शुरू कर सके। तशरीफ लाइए। बचपन से ही हर वो काम किया जिससे बाबा की खुशनुदी हासिल कर सकूं। सारी गलत काम करते हो। हमेशा सौतेली औलाद की तरह बर्ताव किया। सरदार जानदार वो जालिम शख्स है जो आप अकेले नहीं हैं। मैं जानता हूँ चौपाल, सिर्फ नहीं हूँ। आलियार पर एतमाद करते हैं वो, असलहान पर भरोसा करते हैं वो, लेकिन मेरे होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी उठाई हुई हर तकलीफ से नजरें फेर कर उन्होंने हमेशा मुझे नजरअंदाज किया है। जौतपान काम ही सारे खराब है। उसे रहने वाले आदियार को सब कुछ सौंप दिया। लालची लालची, बिल्कुल परेशान ना हो, आपका पता चल जाएगा। बहुत टेंशन आ रहा है उसको ना, खुद की बहन का भी बट शायद वो बंदा बोल दे वे तो अच्छी बात है ना। जब कालीन का कारखाना हमारे कब्जे में आ जाएगा तो फिर आलियार की बारी आएगी। जब बाबा की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट जाएगा तो वो मुझ पर एतमाद करना सीख जाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उनकी बारी होगी। तो तभी साहब का इंतकाल हुआ जब, कौन सी खवातीन खिदमत पर मामूर थी? ये खातून निगरान है उनकी। और ये आईबू के खातून कहाँ है? चौलपान खातून ने उसे कोई नई जिम्मेदारी सौंपी है, कुछ अरसे से यहां नहीं है वो। उस आईबू के खातून को ढूंढना होगा हमें। खुद लुचा बिल्कुल परेशान ना। उसका
मुझे बहुत फिक्र है बेटा। असलहान को तुम जानते हो, वो बचपन ही से जज्बाती है, और ये भी जानते हो कि उसके रहम दिली ने उसने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। हमेशा उसने वही किया जो उसे सही लगा। उसके बावजूद मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, और यही वजह है कि परेशान हो जाता हूं जब उसकी शादी के बारे में सोचता हूं मैं। असलहान की शादी के बारे में सोच रहे हैं क्या बाबा? हाँ बेटा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी ज्यादा दूर न रहे मुझसे, और मेरे ख्याल से अगर उसकी शादी एक मजबूत सरदार से हो तो वो खुश रहेगी। काई कबीला हमारे पड़ोस में ही है। मेरी ख्वाहिश है कि असलहान की शादी काई कबीले में हो जाए तो मुनासिब रहेगा। ईमान से मुनव्वर किया और जो हम सबका खालिक और मालिक है। यह हकीकत है कि हमने बहुत सख्त दिन गुजारे हैं। शुक्र उस रब का जिसने हमारे रिस्क में बरकत दी। आइंदा कबीले में अच्छे दिन ही रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत और अमन सुकून कायम रखे। तनावुल फरमाई। तो भाई क्या मैं कोशिश करूं? जरूर करो साहब। ये जुबान लातीनी है क्या तुम जानते हो साहब? अबू ना काश नए चांद चटाने गिरिया का दर्द क्या लिखा है? दर्द दूर कर देगा। ये लातिनी जबान कहां से सीखी तुमने साहब? हजरत इब्नुल अरबी वो चाहते थे मैं लातिनी जबान सीखूं, मालूम नहीं था यहाँ काम आएगी। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, कमाल कर दिया तुमने तो। चलो फिर चलकर भाई को बताते हैं। जल्दी चलिए भाई, ये पहुंचाना भी है ना।
बेटी, वक्त आ गया है कि तुम्हारी शादी भी जल्द हो जानी चाहिए। हाँ, ये तो नसीब की बात है हमारा, हमारे बड़े तय करते हैं। नसीब नीयत में पोशीदा है बेटी, कोई बहादुर दिल में दाखिल होता है, फिर राहें हमवार होती हैं और मोहब्बत हो जाती है। सच्चे दिल से नीयत कर लो तुम, अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छा शौहर नसीब होगा तुम्हें। वालिदा बिल्कुल ठीक कह रही हैं असलेहान खातून, नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है, अल्लाह ताला आपके दिल की मुरादें पूरी कर देता है। इसहाक ने इस मकतूब में छुपे राज का पता लगा लिया है। यह मामला हमारी सोच से भी ज्यादा पेचीदा है। सुल्तान के महल में जो जासूस मौजूद है, सिमोन अफंदी उस जासूस अबू नकाश से मिलने वाला है। फितना सुल्तान के महल तक जा पहुंचा है आर्थिक भाई, पहुंचना होगा। सिमोन उस जासूस से चटाने की रिया के करीब मिलेगा भाई, और उन दोनों की मुलाकात उसी जगह पर तय है। तुम ये लेकर तुर्गुत के पास जाओ, तुम्हारा हो सकता है कुछ मजीद मालूमात भी हो जो वो तुम्हें बताए। दुमरुल से कहो चटाने गिरिया की तरफ पेशकदमी करें, अतराफ पर नजर रखें और पूरी तरह से होशियार रहें। जैसा आपको हुक्म भाई। चटाने गिरिया पर कौन है? अगर हम उस जासूस के बारे में नहीं जान सके तो ना सुल्तान को बचा सकेंगे और ना ही ये खिता। कल होने वाली मुलाकात में वो नकाशा आपको क्या बताने वाला है उस्ताद सिमोन? यकीनन इस खबर में उसका कोई फायदा है, इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। असल बात यह है कि हमें इस खबर से कितना फायदा पहुंचता है। सुल्तान के जासूस भी वहां मौजूद होंगे, हम हिफाजती इकदाम करने चाहेंगे। मेरे अजीज दोस्त गलत, अगर तुम ना होते तो हम मुश्किलात में पड़ जाते। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं तुम्हारी खिदमत के लिए। हाँ, ये है सराय का सबसे मेहनती आदमी। काम कैसा चल रहा है जासकर? काम बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। अगर कोई मसला हो तो हमें बताइएगा, हम सब संभाल लेंगे। यही वो वफादारी और सदाकत है जिसका मैं दीवाना हूं। मेरे अजीज भाई जासकर, आज छुट्टी करो, तुम घूमो फिरो जरा, यह तुम्हारा। काम के दौरान मशरूब नहीं पीता मैं, और वक्त खत्म होने से पहले अपना काम नहीं छोड़ता। दिखने में ये जितना छोटा है इसकी अकल उतनी ही ज्यादा है मेरी प्यारी बहन। लेकिन धोखा भी हो सकता, किसी इंसान को अच्छी तरह जाने बिना एतबार ना करना उस पर कभी। ओ देखिए तो हमारे मेहमान को, यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी। तुर्गुत साहब के लिए जल्द खाना लेकर आओ। इसको जलाइए। अब तो आप नहीं, उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। कोई मुश्किल नहीं हुई, सारा सोना भी फिलिप को दे चुका हूं मैं। आया नहीं इस बारे में फिलिप, बताने का वक्त नहीं मिला मुझे। खैर, कल का दिन बहुत आम होगा, अब मैं इजाजत चाहूंगा।
कार्विंग के डिजाइंस। अपने बाबा जैसा बनने के लिए एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजारता ये तलवार से। अर्तुरुल साहब जैसे बहादुर शख्स की औलाद ऐसी ही होनी चाहिए। उसका कुछ ऐसा इंटेंशन का नहीं लग रहा है, बट हाँ ऐसा थोड़ा। बड़े कालीनों के लिए सलजूक तर्ज को अपनाया जा सकता है ताकि फनपारे कुछ इस शक्ल के बन जाए, और छोटे कालीन के लिए ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। और इस कालीन की जमीन के लिए हम काय कबीले के नमूने लगा सकते हैं, जैसे लोमड़ी का मुंह और उसके पंजे पुरकशिश लगेंगे, और इनके किनारे शाहीन और रुकाब से भी सजा सकते हैं। इन्हें रंगने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए बेलियों का इंतखाब करेंगे हम, ताकि इसका रंग सूरज की तरह जर्द हो, और सब्ज रंग के लिए मलैन का फूल इस्तेमाल करेंगे हम, हमारे कबीले में बहुत पाए जाते हैं। माल सब्ज रंग खराब कर देगा, अगर सिर्फ उसके पत्ते इस्तेमाल करें तो सब्ज रंग और खूबसूरत होगा। सलामत रहे हलीमा सुल्तान, इस तरह से तो बहुत तेजी से काम मुकम्मल कर लेंगे हम। जब तुम कबीले में आए थे आज भी वो दिन याद है मुझे सलजान खान। तुमने अपनी सलजान खान नहीं देखे थे, और कालीन भी बहुत खूबसूरत बनी। वो होती तो अभी दो चार चीज बोल देती। सलमान शाह कहते थे कि अर्तुरुल कभी उनकी मर्जी से शादी नहीं करेगा। फिर वो वक्त आया जब तुम हमारा कदम कुछ बदल गया थे। यही कहूंगी मैं कि अल्लाह हर माँ को तुम जैसी नेक सीरत बहू दे बेटी। वालिदा आमीन। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे। आह मेरी बच्ची, रब तुम्हें भी एक अच्छा शौहर अदा करे जो तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे। जल्द वो दिन जरूर आएगा। खुश आमदीद अर्तुरुल। शुक्रिया वालिदा। खुश आमदीद साहब। शुक्रिया खातून। इजाजत दीजिए मुझे, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। रात बहुत हो गई है। आपने अपना काम मुनज़्ज़म कर लिया इस्तेहार खातून? हलीमा खातून की शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने काम शुरू होने से पहले ही आधा काम मुकम्मल कर दिया। डिकोड भी कर लिया है, अभी इन लोगों को पता करना है। बंदा दुवान भी जाएगा, दुवान जाएगा तब और पता चल जाएगा कैसे क्या है। बस अभी सब लास्ट खास निकल जावे, और बस अभी इन लोगों को पहुंचाना है। इन्होंने डिकोड कर लिया है, अभी सही सलामत जाके रख दे, सही सलामत पहुंचा दे उधर तो सही है अभी, क्योंकि इतना आसानी अगर अपना तो वो तो बिल्कुल लाइक उसके लिए बहुत मुश्किल है। बट अभी ये देखना पड़ेगा कि इन लोगों को पता चलेगा कि नहीं।
क्योंकि वो लोग जा भी रहे हैं इधर, हलीमा ये लोग भी जाएंगे, कैसे ये लोग कर पाएंगे? जब जाएंगे ये लोग हलीमा को, तो सुबह उन पे हमला भी होने वाला है, हमला भी होने वाला है। काम तो पूरा कर लिया अभी, वो एक है ऑफ कोर्स। हाँ, पर अभी हर जगह बोलते ना अस्लियान की शादी की बातें चल रही है, उसके कबीले में भी, काई कबीले में भी, तो क्या पता भी लड़का ढूंढ ले या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मेरे को वो चाहिए मुझे ना। हाँ, हलीमा बहुत रोक रही है अपने आप को, रोक भी नहीं, मतलब क्या ही बोलेंगे, वो नोटिस कर रही है अस्लियान को पूरी तरह से, क्या है तो वो भी एक है ऑफ कोर्स। ठीक है, हम और देखेंगे, अभी देखना होगा आगे क्या होता है, सब प्लानिंग कैसे जाती है और सब काम कैसे जाता है। गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।